ऐसी नौकरानी से तो भगवान ही बचाए। क्या आपके यहाँ भी है ऐसे नौकर? घरेलू काम करने वाली नौकरानी के खिलाफ एक और केस सामने आया है। एक महीने के दौरान जयपुर शहर में यह चौथी वारदात है जब नौकर या नौकरानी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इस बार विद्याधर नगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है कि नौकरानी पर आरोप है कि उसने दंपत्ति को जहरीली खिचड़ी खिला दी और उसके बाद वह फरार हो गई। जांच कर रही पुलिस ने बताया कि घटनाक्रम दो दिन पहले का है। 31 मार्च को रात के समय खिचड़ी बनाई गई थी और फिर कुछ घंटों के बाद इस खिचड़ी को फिर से फ्राई कर वरुण लालगढ़िया और उनकी पत्नी ने खाई थी। इसे खाने के बाद वह दोनों अचेत होने लगे। वरुण की पत्नी ने अपने जेठ गुलशन को फोन कर इसकी सूचना दी। गुलशन और परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे और छोटे भाई एवं उसकी पत्नी को सीकर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर पुलिस को सूचना दी गई। वरुण ने पुलिस को बताया कि 13 मार्च को ही नौकरानी सविता को काम पर रखा था। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जो फोन नंबर पुलिस को दिए गए हैं वह भी फिलहाल बंद है। सविता की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि खिचड़ी में क्या मिलाया गया था इसकी जांच की जा रही है। सैंपल फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। इस बीच सविता की तलाश जारी है। वह घर से क्या सामान लेकर गई है इसकी भी पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले आदर्श नगर मुरलीपुरा और बजाज नगर में नौकरों ने हाथ दिखाए हैं। लाखों रुपए कैश जेवर और अन्य कीमती सामान लेकर नौकर फरार हुए हैं। तीनों केसेस की जांच की जा रही है। कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।